यहाँ दिसंबर सिटी ने टॉस जीता और यहाँ उन्होंने पहले बैटिंग करने की दावत दी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जिसमें उमर कयानी है, बड़े अच्छे हार्ड हिटिंग बल्लेबाज कप्तान है, अब्दुल मुईज नए खिलाड़ी हैं, अटक को हम पहली बार देखेंगे, फिलहाल डार की वापसी हो रही है, मीर आजाद विकेट कीपर हैं, सलमान मिर्जा बाएँ हाथ से बॉलिंग करते हैं, इसके अलावा हैं इरफान फाजिल, ये बहुत पुराना नाम है पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए यहाँ पर गई हूँ, और इस सभा अब्बास खास नए चेहरे हैं जम्मू सिटी की टीम और फरहान निसार। जी हाँ, जम्मू सिटी ने भी आज उसके कप्तान मैदान में नहीं है, इमरान डोगन इस टीम में बड़ा नाम है, उसके अलावा जो दो इंटरनेशनल स्टार्स हैं वो साबिक टेस्ट क्रिकेट कीपर हुमायूं फरहत हैं, रजा हसन बाएं हाथ के स्पिनर, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, उसके अलावा कप्तान मुबशिर हैं, मलिक बिलाल हैं, अब्दुल हादी हैं, तो मजमूई तौर पर अगर देखें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम ऑन पेपर ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है, लेकिन इन दोनों टीमों को पहली जीत की तलाश है। खासा दिलचस्प फैसला है कियानी के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर से बॉलिंग कराने का, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बाद मैचेस में बेहतर आगाज किया था, ये इरफान फाजिल के साथ बैठे हुए शाहरुख, ये चलता किया है लॉन्ग लेग बाउंड्री की जानेब, रिजवा ऊंचा शॉट खेला है मुनीब ने, तेज बॉलर थे इरफान फाजिल, शायद इतने उन्हें मौके नहीं मिल सके, लेकिन यहाँ उमर कयानी को ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाने का मौका मिल गया। इस शानदार हिट लगाई मिड ऑफ के ऊपर से, पीछे रह गया मुबशर, एक बार फिर उठा दिया मिड ऑन मिड ऑफ से, दोनों खिलाड़ी कुछ देर के लिए इंटरेस्टेड रहे, और ये जाइए और लाइए, ये बहुत दूर तक गई, दोनों हाथ हैं बहुत मसरूफ होते हैं, और इनके भी हैं उमर कयानी के, एक और छक्का उनने लगाया, ये अच्छी ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं, और ये उम्दा शॉट खेला आते ही बॉलिंग क्रीज पर खुश आमदीद का कयानी ने चौका लगाकर, और ये खुद स्टंप हो गए, तो कोशिश वही थी कि उस हदफ के लिए पेशकदमी की जाए, और उनके सामने जी हाँ बिल्कुल, जैसे इमरान ने देखा एक क्रीज से बाहर निकल रहे हैं, गेंद को थोड़ा सा खींच दिया, और हुमायूं फरहत के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल था इस तरह की स्टंपिंग करना, 56 पर पहला नुकसान उठाना पड़ा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, कप्तान मुनीब 11 रन बनाकर वापस जा रहे हैं। खराब गेंद और भरपूर अंदाज से इसको पनिश किया, खराब गेंद जल्दी पिक कर गए थे ओवर के यानी लेंथ को, और मिड विकेट फेंस के बाहर खेलकर निस सेंचुरी मुकम्मल की, इस टूर्नामेंट की दूसरी हाफ सेंचुरी उमर के यानी की, और सिर्फ 20 गेंदों का सहारा लिया, पार्टनरशिप को लेकर आगे जाते हैं, उठा दिया है ऑन साइड में, जल्दी पिक कर गए थे फ्लाइट को, किंगडम वैली के पास शायद ज्यादा थी, ये चार हासिल हो जाएंगे, जिसे कहते हैं उर्दू में लपेट दिया उस साइड पे, ड्राइव किया है कवर्स में, ये बहुत उम्दा टाइमिंग ओवर के आने की, और गेंद एक्स्ट्रा कवर फेंस पर बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, अच्छा शॉट मोइस का, और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चला जाएगा, लॉन्ग लेग गए और ये गेंद गई लॉन्ग लेग के बराबर से, 4 रन के लिए एक और तोहफा मिल गया, इनका किरदार भी एक सिलेक्टर का सा होता है, इस गेंद को दो दाव तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर, अच्छा स्ट्रोक है, फील्डर गेंद के पीछे गए, डाइव किया लेकिन बोल्ड हो गए, मलिक बिलाल इस मंजर को देखना चाहते थे, तो उम्मीद थी कि उमर सेंचुरी स्कोर करेंगे, लेकिन वो अपनी स्टंप्स खो गए, देखिए ये कैजुअल हो गए और इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने बाद में अपने आप को ही कोसा कि मैंने ऐसा क्यों किया, बहरहाल सेट हो चुके थे,
लग रहा था कि आगे वो बहुत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये क्रिकेट का खेल है, इसमें एक गेंद, अच्छी गेंद या बुरी गेंद जो है वो बैट्समैन की इनिंग का खात्मा कर सकती है। तो बैट्समैनों के लिए रन फीस्ट है। अरसलान सीधा खेले लेकिन हाथ में खेल गए। इमरान ठोकर ने बड़ा जबरदस्त कैच लेकर अरसलान की इनिंग्स का खात्मा किया। ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे अरसलान, क्योंकि अब ये इख्तितामी लम्हा थे इस इनिंग्स के, लेकिन ना गेंद की पिच पर ठीक तरह से पहुंचे, ना इसको टाइम किया इमरान डोगर ने। एक आसान कैच पकड़ा, सिर्फ 6 रन ही बना पाए अरसलान खटक। 134 पर तीसरी विकेट गवाई है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने। निखार देखने को मिला, ना सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि अपॉर्चुनिटीज भी। वाह, सीधा खेले, बहुत जबरदस्त शॉट, ड्राइव किया बिलाल डार ने और ये गेंद चली है पॉइंट और शॉट थर्ड के फील्डर के दरमियान से 4 रन के लिए। और ये जोरदार अंदाज से शॉट खेला, इसने शिगाफ डाल दिया इश्तिहारी बोर्ड में। पुल कर दिया है ऑन साइड पे, फील्डर मौजूद थे लेकिन गेंद चली है गैप में 4 रन। सलमान भट्ट उठा दिया है, अब की बार सही टाइम नहीं किया, मिड विकेट कैच ले लेगा। बिल्कुल आखिरी लम्हे पर इस गेंद को ग्रैब किया है फील्डर ने। बड़ा स्ट्रोक्स खेलना चाहते थे क्योंकि इनिंग्स का ये आखिरी ओवर है, लेकिन इतनी कुवत नहीं थी इस शॉट में, टाइम भी ठीक नहीं था, फील्डर ने कुछ फासला तय किया और आखिर में अच्छा कैच लिया। लेकिन बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेली है अब्दुल मोइज ने, 38 गेंदों पर 48 रन बनाए, एक चौका, 3 छक्के लगाए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने 180 कर लिया है। ब्लॉक हॉल में गेंद, सिर्फ एक ही रन पर इत्तफाक करना पड़ेगा। 181 सजाया है स्कोर बोर्ड पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने। इन्हें पहले बैटिंग की दावत दी थी जम्बा सिटी की टीम ने। उमर कियानी सबसे माया रहे हैं इस बैटिंग कार्ड में, जिन्होंने 44 गेंदों पर 86 रन की इनिंग खेली। नौजवान अब्दुल मोइज ने 48 रन बनाए और बिलाल डार ने 22 रन के साथ। फील्डर है वहां पे, फील्डर है जी, आप पहले ही बॉल पे बड़ी विकेट हासिल किया है इरफान फाजिल ने, ये तजुर्बे से विकेट हासिल किया है। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग हो रहा था, इसे फ्लैश किया और सीधा थर्ड मैन के हाथों में, एक इंच भी इधर उधर नहीं जाना पड़ा अरसलान खटक को। तो हमायूं पहली ही गेंद पर वापस जाएंगे, अच्छा आगाज मिल गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। अच्छा बॉल है, स्विंग हुआ है हवा में, 4 रन जरूर मिल जाएंगे खटक को, बेहतर कोशिश करनी चाहिए थी। इनके लिए भी इवेंट अच्छा रहा है, लेकिन ये पहला गेंद बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसे कट किया, थर्ड मैन की तरफ खेला। कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, 4 रन के लिए फहद ने खेल दिया, कप्तान भी खुश। और ये गेंद फिर खराब कर दी और इस दफा ज्यादा रन मिलेंगे, 6 रन मिलेंगे। और पहली ही गेंद पर इस्तकबाल किया इमरान डोगर ने चौके के साथ। ये देखिए एक बार फिर सर के ऊपर से उठा के खेले हैं, लेंथ का मसला है, मुनीब आसिफ को सीखना होगा कि ये पिच आगे बॉल करने वाला नहीं है। ये उठा के खेल दिया, बॉल जाएगा स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया, ये मुकम्मल अथॉरिटी के साथ खेला गया शॉट, बहुत ही बड़ा छक्का जो फहद ने रसीद किया है इरफान फाजिल को। क्रिकेट खेली है, हाँ ये अच्छा लिफ्ट किया, लेकिन फील्डर है वहां पे, बल्ले के थोड़ा ऊपर मार बैठे, एक शॉट, दो शॉट, तीसरे शॉट की शायद जरूरत नहीं थी।
इरफान फाजिल किस गेंद को बिल्कुल भी ठीक से टाइम नहीं कर पाए और मिड ऑन पर एक आसान सा कैच और दूसरी कामयाबी इरफान के लिए, दूसरी ही कामयाबी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। फहद उस्मान 34 रन बनाकर जाएंगे और जम्वा को 51 पर दूसरा नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ ये मौका है और अब गलती नहीं हुई मिड ऑफ से, क्योंकि फील्डर मुख्तलिफ थे वहाँ, सलमान मिर्जा, इसलिए नतीजा भी मुख्तलिफ रहा। जी हाँ बिल्कुल, जाहिरी तौर पे नजर आ रहा था कि इनको कहा गया है कि मारें और हर बॉल पे वो जो है एक ही शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे लेंथ कुछ भी हो, और ये विकेट मुनीब की किस्मत में थी। तीसरी दफा कामयाबी हासिल हुई कैच करने में। जीशान जमील आउट हो गए 6 बनाकर। ये खुली रखनी होगी क्योंकि रन रेट जो है ये 10 के ऊपर निकल गई। यहाँ पर चाहिए दूसरी विकेट के लिए 51 रन जरूर बने थे फहद उस्मान और इमरान डोगर के दरमियान, और ये रन आउट हो सकते हैं क्योंकि खासी कैजुअल अप्रोच थी इस्माइल खान की, वापस आते हुए डायरेक्ट थ्रो नहीं लगी। देखते हैं यहाँ पता चलेगा कि कीपर ने गेंद पकड़ के फिर ग्लव्स जो हैं दे मारे स्टंप्स में। यहाँ से तो लग रहा है कि मामला खराब है इस्माइल के लिए। ये मॉडर्न टेक्निक है, विकेट कीपर जो हैं ये इन दिनों अपने ग्लव्स स्टंप्स के पीछे नहीं आगे रखते हैं ताकि वक्त ना जाया हो। वही किया गया और वही विकेट का बायस भी ठहरेगा। इस्माइल खान इनको जाना होगा, मुश्किल रात इस नौजवान के लिए साबित हुई। 6 गेंदों में 2 रन बना सके और अब जम्वा सिटी की जो मुश्किल है ये भी अब बढ़ने लगी है। हसनैन बॉलिंग करने के लिए आया है, जबरदस्त शॉट ऑफ साइड पर, मीट ऑफ द बैट लगी है, लेकिन देखना होगा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है नहीं, गेंद 6 रन के लिए बाहर जा चुकी है। स्लो बॉल फील्ड अबूर करने में कामयाब नहीं हो पाए। इमरान डोगर की स्ट्रगलिंग इनिंग्स का खात्मा किया हसनैन ने, जो तवातर से अच्छे एरियाज में गेंदे कर रहे थे। इमरान डोगर गेंद टॉप एच लग के गई शॉर्ट फाइन लेग पर, महफूज हाथों में फील्डर की, कोई गलती नहीं की और इस तरह सॉफ्ट हैंड से कैच लिया और ये कामयाबी हासिल हुई हसनैन को। ओवर जॉयड है, बहरहाल ये अब इनिंग का खात्मा है, 82 पर 5 है, जबकि इमरान डोगर कैच ओवर बोल्ड हसनैन 32 रन। आपको 7.5 सिफर से यहाँ तक जाना होगा, चौके छक्के लगाना होंगे। वैसे ये ऐसा खेल है जिसमें किसी वक्त भी कुछ हो सकता है और ये देखिए मिसफील्डिंग हुई और फिर दोबारा सरपट दौड़ना चाहिए था, ताखीर से पहुंचे और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। पीछे हटे, ये ऊंचा खेला है, कवर से फील्डर नीचे आ रहे हैं और कैच लेने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर हम इसको यहां से देखें, टॉप एज लगा, फिजा में गेंद गई, अधूरी कुवत थी, मुकम्मल ताकत नहीं लगाई और मिड ऑफ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, तो इस तरह एक और विकेट गिरी और ये आउट होने वाले बैट्समैन हसन नईम थे। कैच इरफान बोल्ड, अमार 7 और अब जम्वा सिटी 97 पर 6। मुबशर हवा में खेल गए और फील्डर से गेंद थोड़ा सा आगे रही, वो फर्स्ट क्लास सैपट नहीं थी फील्डर की, लीजिए अपनी विकेट खो बैठे, ऐसे नहीं होता। और इसको खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, या फ्लाइट में बीट करने में कामयाब हुए, फ्लाइट डिलीवरी थी, इसको खेलना चाह रहे थे, कामयाब नहीं हो पाए। कप्तान मुबशर आए, कप्तान मुबशर ने बाउंड्री लगाई और उसके बाद उनकी इनिंग्स का खात्मा किया अम्मार कयूम ने। और ये खुश नहीं दिखाई दे रहे, ये खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे वो बात तो बात की है, लेकिन इन्हें डगआउट वापस जाना होगा। 2 गेंदों में 4 रन मुबशर के, बिसात समेटने को है 101 पर 7। ये जोरदार अपील और अंपायर अहमद शहाब की वलीद इकबाल की उंगली फिजा में बुलंद हुई तो 8वां नुकसान यहां पर उठाना पड़ा। इसके अंदर खड़े खड़े खेलने की कोशिश और बिल्कुल नीरोल पे लगा गेंद, अंपायर के लिए कोई भी डाउट नहीं था कि ये आउट है। इस तरह से 8वीं विकेट गिर गई जम्वा सिटी की 104 के स्कोर पर। मलिक बिलाल गए 1 बनाकर। विकेट कीपर के साथ 2 फील्डर्स हैं कैचिंग पोजीशन पर मुस्तफा की बॉलिंग पर और कोई भी इस गेंद को नहीं रोक पाएगा। गेंद आहिस्ता आहिस्ता सिरकती हुई बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई।
इस पर आ सकता था, लेकिन ये कैच जाएगा इरफान फाजिल के पास। दो छोड़े दो पकड़े, तो आज फील्डिंग में हिसाब बराबर किया है। स्लो गेंद था, थोड़ा पीछे गिरा हुआ था, जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ये मिड ऑफ पर इरफान फाजिल के हाथों में महफूज हुई। नोहेल हुसैन 12 रन बनाकर वापस जा रहे हैं और 108 पर नवी विकेट गिरी है जम्वा की। हेड हंटर्स को फिजिकली आना ना पड़े, और मैच में परफॉर्मेंसेज जब आपकी होती हैं तो उसकी वैल्यू अलग होती है। चार रन हासिल हो जाएंगे स्क्वायर लेग पे।